हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस 2 एक्स टू द होल पावर 50 व्हेन एक्स इक्वल टू 1 इज। यहां पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, इफ टी आर प्लस 1, लेट कर लिया कि टी आर प्लस 1 इज ग्रेटेस्ट इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी टू द होल पावर एन। तो इसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देन आर इज लेस देन और इक्वल टू आ जाएगा एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड ऑफ ए अपॉन बी। तो आइए इस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां पर a प्लस बी की जगह कितना दे रखा है 3 प्लस 2x, और n की जगह कितना दे रखा है 50। बाकी x की वैल्यू भी गिवन है 1, तो r के लिए कितना आ जाएगा, r इज लेस देन और इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 प्लस 1 यानी कि 51 अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मॉड ऑफ 3 अपॉन 2x। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू भी हमें गिवन है यहां पर 1, तो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी लेस देन और इक्वल टू 51 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 2। इसको अगर सॉल्व करें तो r इज लेस देन और इक्वल टू 51 अपॉन 1 प्लस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा 5 बाई 2, तो 5 और अपॉन का 2 कहां गया ऊपर, तो r की वैल्यू आ रही है लेस देन और इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 अपॉन 5 102 अपॉन 5। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 2 10 आ जाएगा, एक जीरो बढ़ा लेंगे 0.54 20, तो r की वैल्यू आ रही है 20.4, r इज लेस देन और इक्वल टू 20.4। अब ये तो इंटीजर है नहीं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्टीमेटली 20। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि r की वैल्यू जो है वो 20.4 से या तो बराबर हो सकती है या लेस हो सकती है, तो बराबर तो हो नहीं सकती क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, तो लेस कर लेंगे और तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी 20 मिल जाएगी। 20.4 से जो लेस आएगी वो क्या आ जाएगी 20, तो हमें टर्म कौन सा निकालना होगा टी 20 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि टर्म क्या होता हमने लेट किया था आर प्लस 1, तो टी 20 प्लस 1 कैसे निकलेगा, यहां पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो आ जाएगा 50 सी और r की वैल्यू कितनी हो गई 20। अब देखिए a की जगह कितना दे रखा है 3, तो 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 की पावर आ जाएगी n माइनस r यानी कि 50 माइनस 20 तो आ जाएगा 30, और b की वैल्यू कितनी है 2x। ठीक है, तो 2x की पावर कितनी आ जाएगी 20। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा 50 सी 20 3 टू द पावर 30 2 टू द पावर 20 और x टू द पावर 20 को अलग अलग कर लिया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कॉफिशियंट पूछा गया है। ठीक है, तो कॉफिशियंट के लिए वैल्यू कितनी आ जाएगी केवल यहां से यहां तक 50 सी 20 3 टू द पावर 30 2 टू द पावर 20, जो कि हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है बी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।